आ गया। अरे दीपिका जी वेट, दीपिका जी वेट, enjoy karna chahti thi, and of late I'm going through this phase of wanting to wear things that are outlandish, things that have a lot of color, and yeah, that's it. I'm having fun. Thank you. जब मैं फिल्म्स चूज़ करती हूँ तो मैं ये सब इन सब चीज़ों के बारे में सोचती नहीं हूँ, बट एज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट जब ऐसा रिकग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट यस, आई थिंक माय प्रोसेस ऑफ चूजिंग फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट, एंड आई इंटेंड कीपिंग इट दैट वे। हैं अंदर नो कबीर थॉट ऑफ मी फॉर द फिल्म, इट्स अ वेरी स्मॉल रोल बट अ वेरी स्पेशल रोल, बिकॉज आई फील लाइक द रोल ऑफ अ स्पाउस ऑफ फैमिली इज नॉट ऑलवेज गिवन इनफ क्रेडिट when you look at athletes and when they win and they perform at such an international on an international stage and platform, or ऐसे ऊंचाइयों तक जब पहुंचते हैं तो फैमिली को बहुत कम रिकग्निशन मिलता है, सो कीप इट दैट इन माइंड। अनाउंसमेंट्स हैं वो आप यू हियर इट फ्रॉम मी डायरेक्टली। रणवीर का ऑब्वियसली, रणवीर के अलावा माधुरी जी, हु एल्स इज परफॉर्मिंग, सारा इज परफॉर्मिंग, सलमान इज परफॉर्मिंग,
बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब मैं ऑडियंस में बैठ के इन सबको देखने का मौका मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। गुड इवनिंग। तो ये है साई, साई मंजरेकर, दबंग। यस दबंग, यस। ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग 3 में, इनके फादर दबंग 1 में थे और बेटी है दबंग 3 में। जी बहुत अच्छा है, घर के बहुत ही नज़दीक है, पास है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत दूर उड़ के जाना पड़ रहा था आईफा में परफॉर्म करने के लिए। सबको सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं है। अभी भी घबराहट होती है परफॉर्म करने में, अभी बहुत घबराहट होती है परफॉर्म करने में। जो परफॉर्मेंस जिसके लिए एक्साइटेड था वो कैटरीना कैफ का परफॉर्मेंस था, वो देख चुका हूँ और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। जी 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 हाँ जी हाँ, लोगों ने उस पोस्टर को काफ़ी पसंद किया है। यू नो स्ट्रेंज थिंग इज दैट कुछ सालों पहले, बहुत सारे सालों पहले, सोनाक्षी भी आईफा में ही इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन अ रैंप एंड टुडे इट्स या जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, पिक्चर की बात नहीं करो। जी अभी इंशाल्लाह नहीं बन रही है, इंशाल्लाह कुछ और बनेगी, मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी। जी हाँ, उसका एक डिजिटल क्या पिक्चर या टीज़र जो भी है वो आ चुका है और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है, तो अभी आते रहेगा और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ है, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो अब आप इनको भी अभी टीवी पे और सोशल मीडिया और पर्दे पर देखोगे और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जी हाँ, अभी हो जाएगी बिग बॉस की शुरुआत, बिग बॉस सीजन 13। डन,
ईद पर आएगी पिक्चर, ज़रूर आएगी पिक्चर, ज़रूर आएगी। अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को, उसके बाद ईद पर ही आएगी। कब? My performance just got over and I can tell you I had such an incredible time on stage. I mean, I love performing on the IFA stage, it's always magical, but this time it was even more fun. Shamak's dancers give you so much energy and the audience was amazing. I mean, they were really lively, they were just giving you so much support, and I'm very happy with the way my act went. Now I've just changed, come for the red carpet, and I'm going to go back and sit in the audience, and now I'm going to relax. Shamak is absolutely one of the dearest people who you can work with. And the most incredible thing about Shamak is him and his team, they actually come together to support you. You know, so you, when you get on stage, it's just like you're having a party. It's just like a blast. And we had so much fun. So I'm really happy. Yes. Of course, blessings and love to her, always with her. But I think tips, one thing that I have realized in the last year and a half is that it's very important to give people space to be themselves. You know, rather than me saying, be like this or be like me, I think it's really important to allow the people who you love to be themselves. You know, like your siblings, to let them grow and blossom into who they are. I have not seen anyone's performance because I had to go back and change, but when it comes on TV, I'm going to sit and watch everyone's performance. But I'm really excited about Madhuri Ji's performance. I'm really, really looking forward. She's phenomenal on stage. I love it. It's so much fun because we don't get to talk to each other much on the phone. So now the way you actually have fun and chat with your friends has become on Instagram. Thank you. Can we just go last? Last. No.
No, there's nothing like that. At the moment, the only film which I'm doing is Rohit Shetty's third film, and that's Suryavanshi with Akshay Kumar. And that I'm going to be resuming shoot now. We're all resuming shoot on October 1st. Thank you. Thank you. Did you just... that it's homecoming, also 20 years hai IFA ka, so it's a very very big deal. So congratulations to the whole IFA team, Andre, Viraf, everyone. And actually bahut khushi ki baat hai ki 20th year mein homecoming pe hum Mumbai aaye hain. It's raining, but I hope it was not raining. Hum log aise sab gown pakad ke chal rahe hain, but yahan pe shade hai to theek hai. But I saw some people walking around in the rain, and itna bada production hota hai to, you know, get an award function together, so I just wish it wasn't raining, but anyway. Ji, meri sabse strong memory, I think, New York mein jab hui thi, kyunki mera pehli baar tha aur maine live perform kiya tha sabke samne. It was amazing, aur us saal mein mujhe award bhi mila tha, so that's my strongest, most special memory. Actually, this is my second year attending IFA, na? Yeah, second year. मैं एक बहुत पक्की ऑडियंस हूँ, मुझे सारे परफॉर्मेंस देखने में बहुत मज़ा आता है. आई नो रणवीर इज़ परफॉर्मिंग, उन्होंने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं, सो हिज परफॉर्मेंस विल बी आउटस्टैंडिंग. आई नो एवरी वन, सारा, विकी, सलमान, कटरीना, लाइक आई वुड लाइक वॉन्ट टू सी ऑल परफॉर्मेंसेज. Honestly, it came to me as a complete shock. मैं almost जब मुझे भेजा गया था, I thought it was a joke. But I don't know. I feel amazing. Like it feels like a very surreal thing to be nominated in this category with, so, you know, and it's also from Asia, along with so many other very very, you know, prominent personalities. So मैं खुश हूँ, and it's nice to be inspiring. I hope I'm inspiring. I was very excited to work with Sanjay Leela Bhansali. Of course, very excited to work with Salman as well. मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. वैसे कहते हैं अगर भगवान को हंसाना हो तो उनको अपने प्लान्स बता दो. प्लान्स नेवर रियली गो एज पर प्लान, बट आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद Sanjay Leela Bhansali वेरी सून, होपफुली विद सीता. Oh my God. I am not.
just arrived. Congratulations in advance. Sorry, your award. Oh, thanks. I'm here only, but I know you're getting it. He's not only you're coming, so you can sit with him. I said, I have no one to go with. She's like, yeah, but there must be a lot of people inside. No one who I've done. That's some jazzy with. Shit today, bro, huh? Super jazzy, because I'm liking it. Super right? Bad. Love it. Good? That's my picture. बहुत एक्साइटेड हूँ 20वां साल है जैसे कि मुझे बोला गया है कई बार आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड हमारे पड़ोस में ही है इस बार सो इट वाज सुपर इजी टू कम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी जी हाँ जी बिल्कुल सॉरी अभी तो शुरुआत हुई है तो कुछ भी कहना बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी इनिशियल फेज तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब देखेंगे उसका
uska footage dekhenge to aap sehmat ho aur khush ho. It's a very exciting film that I can say I'm very very excited about. Hi sir, how you doing? All the best. Thank you so much. Thank you. मैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर हूँ जी. हाँ क्या कहना चाहूँगा मैं, नहीं मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से या मेरी तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग है. हाँ प्लान शायद इतना ही है कि अगर हम साथ में फिल्म करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि करेंगे कि वो कहानी बहुत कमाल की हो और उस तरह की फिल्म हो जिसमें हम पूरी तरह से अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से निभा पाएँ और एक्साइटिंग फिल्म हो, क्योंकि हम दोनों ही फिल्मों से बहुत मोहब्बत करते हैं. तो आई होप कि वी गेट समथिंग दैट्स एक्साइटिंग. मेरे ख्याल से सारा हैं जो मेरी कंटेम्प्रेरी हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर परफॉर्म. मुझे इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन कौन है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड. जी हाँ, या 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 वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. ऐसा लग रहा है. थैंक यू. रेखा जी का बहुत प्रेम दिखा, हमें स्नेह दिखा आपकी तरफ. कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं कैसे बयां करूं कि कैसा लगता है जब आपके सीनियर्स और आई थिंक रेखा जी जैसी ग्रेसफुल फिगर हमारे बड़े पर्दे पे बहुत कम है. शी इज रियली द जेनिथ ऑफ ग्रेस एंड ग्लैमर एंड ब्यूटी, एंड सो इट्स सो वंडरफुल टू हियर टू काइंड थिंग्स फ्रॉम हर. जी नहीं, बचपन में ज़्यादा मेरी किस्मत नहीं थी, लेकिन हाल ही में मेरी फिल्म के रिलीज़ के बाद से शी वॉज देयर एट द स्क्रीनिंग ऑफ धड़क. जी हाँ. जी हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग है. उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, इट्स फॉर BBC One. और आई मीन इट्स अ ह्यूज कास्ट, जहाँ तक मैं जानता हूँ 100 के भी ऊपर कास्ट मेंबर्स हैं उसमें. इट्स अ बिग पीरियड पीस. और मीरा नायर मैम हैं जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं. शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स दैट हैज़ इमर्ज फ्रॉम इंडिया एंड हैज़ बीन नोन इंटरनेशनली. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर. उनका काम मुझे बहुत बहुत पसंद आया है, बहुत सीखा है मैंने उनके काम को देख कर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर. थैंक यू.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि दुनिया में कहीं भी आप कितनी भी बार चले जाओ बट इट्स ऑलवेज स्पेशल टू कम होम. तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि आईफा इंडिया वापस आ गया है. एंड उससे भी ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट एक्सपेक्टिंग आई एम एक्साइटेड टू सी साराज़ परफॉर्मेंस क्योंकि मैंने सारा को पहले परफॉर्म करते हुए कभी नहीं देखा है. सो आई एम एक्साइटेड टू सी हर परफॉर्म. वेल आई हैव अ न्यू मूवी कमिंग आउट सो मैं उसके लिए शूटिंग के लिए आई हूँ. इट्स अ न्यू फिल्म आई हैव साइन एंड यस अभी मेरा टाइम आधा अमेरिका और आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो अनलेस IPL या कुछ रियली कुछ काम हो यहाँ आई टेंड टू बी मोर इन अमेरिका क्योंकि वहाँ भी देयर सम वर्क हैपनिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग एक्चुअली. सो आई एम बिजी. ओ शी वॉज वंडरफुल. मैंने रेखा जी का परफॉर्मेंस देखा क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था. मैंने रेखा जी के साथ फिल्म दिल है तुम्हारा में काम किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके. शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ वंडरफुल वूमन. सो बहुत सीखने को मिला उनसे एंड आई लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रेखा जी वेर एवर यू आर बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू बी हियर बट आई जस्ट आई विश हर. ओके थैंक यू. देखा आप लोगों ने सच में अच्छा लगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. नहीं किया सब नहीं पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मैंने नहीं किया फैशन शो. नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी मेरे को पूछा था बट आई वाज प्रमोटिंग नो मेड इन चाइना एवरी डे आई लाइक यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो आई एम समवेयर अदर अदर. सो परसों हम बाइक्स कर रहे थे और सारा like all the influencers and all ke sath shoot kar rahe the which was quite fun and finally ek saal pehle shoot khatam hua tha aur aaj trailer bahar aaya hai so I'm really excited. You know how much I love dancing so I'm looking forward to all the act but obviously the Ranveer's act is I think the opening act and Salman sir is finishing the last so both of them are I think going to be dhamaka performances so yeah I'm for sure looking forward to these two. पूछो ही सेइंग ही लाइक कि कितना पूछूंगा. अच्छा हेलो सेकंड टाइम लास्ट ईयर रेखा मैम का था. लास्ट दो साल तो मैं खुद भी परफॉर्म कर रही थी तो आई वाज वेरी नर्वस बट दिस टाइम दैट्स व्हाई देयर इज नो नर्वसनेस. आई हैव जस्ट आई कैन लाइक आई हैव गॉटन रेडी आई हैव कम आई विल गो इनसाइड सिट एंड एंजॉय. थैंक यू. मैं जेन्युइनली नहीं हूँ मेरे को कभी फ़ोन भी नहीं आया है और मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एट ऑल. जी
बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है. आई थिंक ऑन सम लेवल हम सब कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे. यू नो ऑल द शूट्स दैट आई डू, ऑल द शूट्स दैट आई, नॉट जस्ट अस, सिर्फ हमारे ग्लास के बॉटल्स नहीं होते, प्रोडक्शन हाउस भी एक कोशिश करते. लाइक यू नो ऑन ब्रह्मास्त्र सेट प्लास्टिक इज कम्प्लीटली बैंड, वी ऑल हैव आवर ओन ओन वाटर कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें. एंड ऑल्सो ये बोलते हैं कि जो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं होती तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता. सो इवन इफ वी आर यूजिंग दैम, इट विल जस्ट कंटेमिनेट आर ओन होम्स, आर ओन सिटीज़, यू नो. सो इट्स बेटर टू नॉट यूज़ दैम, आई गेस. नहीं जी, नहीं नहीं, ऑफर भी नहीं आया जी. मेरी मॉम और मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा, पर वो लोग अभी काफ़ी शॉक में है, वो कार इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा शॉक में है वो लोग. तो आई थिंक दे हैवंट बीन एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग, और मुझे देखा नहीं अभी तक सुबह से. सो विच इज़ आई थिंक मामा इज़ रियली वेटिंग एट होम. नहीं, जो चीज़ मैं नहीं कर रही उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा. चले जाओ, बट इट्स ऑलवेज स्पेशल टू कम होम. तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि आईफा इंडिया वापस आ गया है. एंड उससे भी ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्साइटेड टू सी सारा परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने सारा को पहले परफॉर्म करते हुए कभी नहीं देखा है. सो आई एम एक्साइटेड टू सी हर परफॉर्म. वेल, आई हैव अ न्यू मूवी कमिंग आउट, सो मैं उसके लिए शूटिंग के लिए आई हूँ. इट्स अ न्यू फिल्म आई साइन. एंड यस, अभी मेरा टाइम आधा अमेरिका और आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो अनलेस IPL या कुछ रियली कुछ काम हो यहाँ, आई टेंड टू बी मोर इन अमेरिका, क्योंकि वहाँ भी देयर सम वर्क हैपनिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग एक्चुअली. सो आई एम बिजी. ओ शी वॉज वंडरफुल. मैंने रेखा जी का परफॉर्मेंस देखा, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था. मैंने रेखा जी के साथ फिल्म दिल है तुम्हारा में काम किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके. शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ वंडरफुल वूमन. सो बहुत सीखने को मिला उनसे. एंड I'd like to wish her a very, very happy birthday, Rekha ji, wherever you are, because I don't know if I'm going to be here, but I'll wish her. Okay, thank you. जी
बिल्कुल जी. Well, I think it's a great initiative जो filmmakers ने और producers ने लिया है. And I think, you know, you have to start everywhere, where you work, where you stay, and it's so lovely, you know, not to have any plastic on the set. That's amazing. Thank you so much. What's up, guys? बिल्कुल. मैं नॉमिनेटेड हूँ आज आईफा में, और बहुत सारी दिग्गज कलाकारों के साथ नॉमिनेटेड हूँ. मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने शिखा को कहा कि प्लीज़ आके मेरी हिम्मत बढ़ाओ. और चूंकि वो मेरी वीरे है और मेरी लाइफ लॉन्ग वीरे है, इसलिए शी हैज़ ओब्लाइज्ड मी. थैंक यू सो मच. दूसरों की मेहनत है मेरे ऊपर. शिखा नेचुरली ऐसी है. जी बिल्कुल. मैं आई थिंक दैट गणेश उत्सव जो है वो बॉम्बे की जान है, एंड अब मैं भी मुंबई करूँ, सो ऑब्वियसली जब लाल बाग का राजा बॉम्बे आते हैं तो कैसे हम नहीं जा सकते. नहीं, मुझे लगता है ये सबसे नॉर्मल चीज़ है होना. मतलब अगर दर्शन करके चप्पल नहीं खोए आपकी तो फिर क्या ही दर्शन किया आपने. सो आई फील ब्लेस्ड. बिल्कुल. बहुत ही बहुत मज़ेदार, बहुत ज़रूरी फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है शीर खुरमा. और दिव्या जी और शबाना आज़मी जी की मैं फ़ैन रह चुकी हूँ, सो इट्स बिन इट वॉज अ रियल ऑनर टू वर्क विद देम. आई थिंक मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं बाउंड्री के पार ही रहती हूँ, तो मैं हाँ मैं कॉन्स्टेंटली मैं चौंका हूँ. सॉरी. हाय. बिल्कुल. मुझे लगता है कि आरे जो है, आरे का जो जंगल है वो मुंबई के लंग्स हैं, वो फेफड़े हैं मुंबई के. एंड अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर हम क्या ही और कुछ कर पाएंगे लाइफ में. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब जो मुंबईकर हैं, जो मुंबई के सिटीजन्स हैं, हम जो कोशिश हमसे हो सकती है हम वो करें आरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए. नहीं, मुझे लगता है सबको अपने अपने राय का हक होना चाहिए. आई थिंक बहुत ही कमाल की चीज़ है. इंटरनेट एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है और एक डेमोक्रेटाइज करता है वो एक्सेस को, अपॉर्चुनिटी को. और बहुत अच्छी बात है अगर हम इंटरनेट के थ्रू नया टैलेंट डिस्कवर करते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. हम आईफा से बहुत दूर जा चुके हैं सुमित जी, कुछ आईफा के बारे में पूछ लो. बेचारे उन्होंने सारे दिन उसी के बारे में पूछ रहे हो. या हाउ कैन यू चूज़. आई थिंक मैं वो बच्ची हूँ जो चित्रहार देख के और सुपरहिट मुकाबला देख के बड़ी हुई थी, तो मैं तो ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जब बॉलीवुड के स्टार्स स्टेज पे डांस कर रहे होते हैं, तो मैं तो सबको देख के खुश हूँ. बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द परफॉर्मेंसेज. थैंक यू. Thank you.
पहुंचे, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नहीं किया सब, नहीं पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, मैंने नहीं किया फैशन शो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे को पूछा था, बट आई वॉज प्रोमोटिंग नो मेड इन चाइना एवरी डे, आई लाइक यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, आई एम समवेयर और द अदर। सो परसों हम बाइक्स कर रहे थे और सारा लाइक ऑल द इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल के साथ शूट कर रहे थे, विच वॉज क्वाइट फन, एंड फाइनली एक साल पहले शूट खत्म हुआ था और आज ट्रेलर बाहर आया है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। You know how much I love dancing, so I am looking forward to all the acts, but obviously the Ranbir's act is I think the opening act and Salman sir is finishing the last, so both of them are I think going to be dhamaka performances, so yeah, I'm for sure looking forward to these two performances. Pucho, he's saying, he's like kitna puchu, hello second time. लास्ट ईयर रेखा मैम का था, लास्ट दो साल तो मैं खुद भी परफॉर्म कर रही थी, तो आई वॉज वेरी नर्वस, बट दिस टाइम दैट्स व्हाई देयर इज नो नर्वसनेस, आई हैव जस्ट आई कैन लाइक आई हैव गॉटन रेडी, आई हैव कम, आई विल गो इनसाइड सिट एंड एंजॉय। जी मैं जेन्युइनली नहीं हूँ, मेरे को कभी फ़ोन भी नहीं आया है, और मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एट ऑल। जी यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, आई थिंक ऑन सम लेवल हम सब कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, यू नो ऑल द शूट्स दैट आई डू, ऑल द शूट्स दैट आई, नॉट जस्ट अस, सिर्फ हमारे ही ग्लास के बॉटल्स नहीं होते, प्रोडक्शन हाउस भी एक कोशिश करते, लाइक यू नो ऑन ब्रह्मास्त्र सेट प्लास्टिक इज कम्प्लीटली बैंड, वी ऑल हैव आवर ओन वाटर कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स, सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एंड ऑल्सो ये बोलते हैं कि जो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं होती तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, सो इवन इफ वी आर यूजिंग दैम, इट विल जस्ट कंटेमिनेट आर ओन होम्स, आर ओन सिटीज़, यू नो, सो इट्स बेटर टू नॉट यूज़ दैम आई गेस। जी नहीं ऑफर भी नहीं आया जी। मेरी मॉम और मेरी भाई को बहुत अच्छा लगा, पर वो लोग अभी काफ़ी शॉक में हैं, वो कार इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा शॉक में हैं वो लोग, तो आई थिंक दे हैवंट बीन एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग, और मुझे देखा नहीं अभी तक सुबह से, सो विच इज़ आई थिंक मामा इज रियली वेटिंग एट होम। नहीं जो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। थैंक यू।
एक्साइटमेंट हो रही है मोर सो बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक विक्की इज परफॉर्मिंग विक्की कौशल सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिज परफॉर्मेंस आई सॉ सम इंस्टा स्टोरी ही पुट अप सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट विक्की थैंक यू सो मच इट्स अ लवली गाउन बाय गैविन मिगुएल एंड क्या बोलूँ बहुत पसंद आई मुझे इसलिए पहनी मैंने सुना नहीं कौन सी जी काफ़ी डिफरेंट है और मेरी अपकमिंग आई एम डूइंग अ फिल्म विजय देवरकोंडा एक मल्टीलिंगुअल लव स्टोरी है उसमें आई प्ले अ म्यूजिशियन सो इट्स अ रियली नाइस अवतार इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव डन प्रीवियसली सो एक्साइटेड अबाउट दैट फाइनली मैं इस दिन के लिए बहुत ही काम किया है तो फाइनली थैंक गॉड टच वुड थैंक यू वेरी मच यस इट इज माय फर्स्ट टाइम जी एवरीवन बट स्पेशली आयुष शर्मा जो मेरा भाई है तो परफॉर्म कर रहा है पहली बार आईफा पे तो वेरी एक्साइटेड फॉर गैलेक्सी की पहली रूल है सब साथ में रहो प्यार से इकट्ठा रहो तो जैसे क्या है ओ बहुत ईगर हूँ कुछ बोलने के लिए कि क्या होने वाला है नेक्स्ट लेकिन बोलने की परमिशन नहीं है तो बट वेरी सून विल बी अनाउंसिंग समथिंग वेरी नाइस वेरी एक्साइटेड इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू